हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट रिलीज हो चुकी है, लगभग सभी कोर्सेज की आ चुकी है। कल शाम ये आ गई थी, परंतु कल शाम से और आज मॉर्निंग तक जो वेबसाइट है वो डाउन थी, तो मैं आप लोगों को अपडेट दे नहीं पाया और फिर उसके बाद मैं चला गया कॉलेज। तो अब मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, हालांकि तुम लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी जिन बच्चों ने अभी तक मेरिट लिस्ट चेक नहीं किए या इनको जिनको डाउट है कि हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। एक और चीज़, इस वीडियो में मैं फ्लाइट जियोलॉजी की भी बात करूंगा। पिछले बार जब मैंने पांडिचेरी का जो प्रोविजनल लिस्ट आया था उसके ऊपर जब बात की थी, तो जियोलॉजी वाले बच्चे काफ़ी नाराज थे। उन्होंने लिखा था कि हमारे से क्या दुश्मनी है, ये है वो है। तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आप लोगों से, सब मेरे लिए प्यारे प्यारे बच्चे हो। पिछली बार मेरे ध्यान से निकल गया, नहीं कर पाया, इस वीडियो में मैं आपको जरूर कंसीडर करूंगा जो भी जियोलॉजी वाले बच्चे हो। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था जब इसकी प्रोविजनल लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट की, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की खाली जाने वाली है। सीट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छा खासा जो है इनटेक है यहाँ पर। तो अगर मैं फिजिक्स की पहली लिस्ट की बात करूं तो जनरल के अंदर नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने 18 कंसीडर किए हैं, और 18 के 18 ही मेरे को लगता है खाली जाएंगे, क्योंकि 220 तक का स्कोर है और विच इज़ वेरी हाई फॉर पांडिचेरी यूनिवर्सिटी। तो ये जो बच्चे हैं इनमें से मोस्टली बच्चे या तो JNU में सेलेक्ट हो चुके होंगे या DU में सेलेक्ट हो चुके होंगे, या अगर इन्होंने आज BHU का भी शाम को आने वाला है तो वहाँ ये सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो लिस्ट है जनरल की वो ऑलमोस्ट खाली जाएगी, है ना, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट खाली है। सेकंड का कट ऑफ मैं एक्सपेक्टेड मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं वापस बता देता हूँ, सेकंड में करीबन 200 या 195 नंबर तक आना चाहिए सेकंड लिस्ट के अंदर। और OBC का कट ऑफ भी देख ले तो OBC में ये 197 तक है, मैंने आपको कहा था OBC में 197 तक आएगा और ये भी ऑलमोस्ट खाली जाएगी। OBC में 16 सीट है, ऑलमोस्ट खाली जाएंगी। और सेकंड जो OBC की लिस्ट है वो अराउंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 185 तक या 184 तक पहुंचेगी। SC की बात करें, SC में टोटल 8 सीट है, ऑलमोस्ट सीट्स खाली जाएंगी 8 की 8। सेकंड लिस्ट में ये 139 के नीचे आ जाएगा, यानी कि लगभग आपको 130 नंबर या 120 नंबर के आसपास दिखेगा या उससे भी नीचे, मेरे को अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। जो मैंने आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसके बाद मैंने आपको कट ऑफ का बताया था अगले 3 राउंड तक का। ST में बात करें तो बहुत हाई कट ऑफ है, 6 सीट हैं, फिर भी मैं कंसिडर कर लूँ कि 1 या 2 सीट फिल हो जाए जो कि बाद में विड्रॉ हो सकती है, तो चारों की चारों सीट खाली जाएंगी। PH के अंदर हो सकता है एडमिशन हो जाए, पर 2 सीट तो खाली दिख रही है मेरे को। EWS में खाली जाएगा, अभी EWS में करीबन 6 सीट है, तो 6 में से लगभग 4 सीट खाली जाएगी। अभी एडमिशन हो भी जाता है तो विड्रॉ हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक कैटेगरी है पांडिचेरी जनरल, मैंने आपको बताया था जनरल की यहाँ पर करीबन 30 सीट है, तो पर यहाँ पर इन्होंने पांडिचेरी जनरल भी काउंट किया हुआ है। तो पांडिचेरी जनरल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पांडिचेरी जनरल में मैं ये बोल सकता हूँ जो शुरू के ये 2 बच्चे हैं ये शायद एडमिशन ना लें, ये किसी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU वगैरह में एडमिशन इनको मिल जाए, परंतु ये बाकी नीचे वाले बच्चे हैं ये एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उन्हीं में से निकाल के ये पांडिचेरी जनरल, पांडिचेरी OBC ये बनाए हुए हैं। तो इन बच्चों का मेरे को आइडिया नहीं है कि पांडिचेरी जनरल, पांडिचेरी SC और पांडिचेरी OBC क्या है। तो कुल मिला के जो OBC की सीट्स हैं 16 और 5 21, और जनरल की जो सीट हैं वो 18 और 8 26। तो OBC की सीट में से 5 सीट OBC की निकाल ली, और जनरल की सीट जो है 18 दी हुई है, 26 में से 8 कम कर दी, मैंने आपको 26 के अगेंस्ट बताया था। और SC की जो सीट्स है यहाँ पर देखोगे तो आप SC की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं कहाँ भाई, SC की 8 है, और यहाँ पर SC की सीट दे रखी है कितनी रखे, 3, तो लगभग 11 सीट मैंने आपको बताया था, 10 से 11, तो वो 3 सीट यहाँ पे निकाल ली SC। तो ये पांडिचेरी जनरल, OBC, SC इनका मुझे आइडिया नहीं है कि कितना कुछ जाएगा, बाकी जनरल का जो कट ऑफ बताया है मैंने उसी के हिसाब से चलेगा, क्योंकि अब थोड़ी सीट कम है तो 1-2 नंबर उसको ऊपर इंक्रीज कर लेना। तो फर्स्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट खाली जाने वाला है फर्स्ट लिस्ट। केमिस्ट्री में तो झंडे गाड़ रखे, तो केमिस्ट्री की तो बात ही करना बेकार है, ये खाली जाएगी पहले लिस्ट। 23 बच्चों की लिस्ट है, पहली लिस्ट खाली जाएगी, ऑलमोस्ट खाली जाएगी। OBC की पहली लिस्ट ये भी अप्रॉक्सीमेटली खाली जाएगी पूरी, 18 बच्चों की सीट जो है वो लगभग खाली जाएगी। और सेकंड में OBC करीबन पहुंच जाएगा 132-133 के आसपास,
क्योंकि मार्जिन बहुत कम है बच्चों का, 135 नंबर पे, 140 नंबर पे बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो इसलिए इतने जल्दी नीचे नहीं आती है कट ऑफ। और यहाँ से ये कम से कम कम होके 143 या 145 तक आ जाएगी। और एससी में बात करूँ तो 101 तक है, नेक्स्ट लिस्ट में आपको ये अराउंड अराउंड 70 या 80 तक दिखेगा। एसटी में 107 तक है, नेक्स्ट लिस्ट के अंदर आपको ये 100 से नीचे दिखेगा, करीबन 80 के आसपास तक ये दिखेगा आपको। पीएच की अगर मैं बात करूँ तो 98 पीएच का मुझे इतना आइडिया है नहीं। ईडब्ल्यूएस में भी खाली रहेगा, ईडब्ल्यूएस में नेक्स्ट लिस्ट के अंदर ये 100 के नीचे आ जाएगा, ये मैं पहले ही चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर फिजिक्स में इन्होंने कंसीडर किया हुआ है पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी जनरल, पौंडीचेरी ओबीसी और पौंडीचेरी एससी, परंतु केमिस्ट्री में ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया है। तो इसका मतलब फिजिक्स में रिजर्वेशन दिया हुआ है इन्होंने और केमिस्ट्री में रिजर्वेशन नहीं है। केमिस्ट्री में सेम नंबर ऑफ सीट्स वही ली हैं जो मैंने आपको बताया था, फिजिक्स में इन्होंने रिजर्वेशन दिया है पौंडीचेरी वालों को। जियो फिजिक्स की बात करूँ तो 10 सीट कुल में है, तो वही है जो मैंने आपको बताया था, शुरू में 4, फिर ये नेक्स्ट खाली होके 152 नंबर तक आएगा, 225 से 169 शायद ही एडमिशन लें, वो बीएचयू में जा सकते हैं, बीएचयू का रिजल्ट आएगा तो। और नेक्स्ट लिस्ट में ये 152 151 तक दिखेगा जनरल में, ओबीसी में 140 तक 3 तक ये है, उससे कम शायद दिखे क्योंकि जियो फिजिक्स में बीएचयू में इतना नीचे नहीं जाएगा। और फिर अगर मैं बात करूँ एससी की तो एससी में 114 और एससी में हो सकता है बीएचयू में इस स्कोर पर एडमिशन हो जाए तो एक सीट का दिख सकता है। एसटी में भी बीएचयू में दिख सकता है ये बच्चा, क्योंकि जो जियो फिजिक्स में इतने बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था, पेपर ही बहुत कम बच्चों ने दिया था, ईडब्ल्यूएस में ठीक ठाक स्कोर है, तो जियो फिजिक्स का ठीक है कट ऑफ। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर, जनरल में इन्होंने 31 निकाला है जो कि हाई कट ऑफ है, तो अगर 31 सीट्स की मैं बात करूँ तो लगभग 22 से 23 सीट खाली रहेंगी फर्स्ट लिस्ट के अंदर, और बाद जो भी फिल होगी वो भी शायद नेक्स्ट लिस्ट तक में विड्रॉ हो जाए। ओबीसी में इन्होंने 24 वही दिया है जो मैंने आपको बताया था, ये भी हाई कट ऑफ है, तो 24 के अगेंस्ट करीबन 20 सीटें खाली जानी चाहिए। एससी में 13 है, 13 में से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 सीट खाली रहेंगी। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो खाली करीबन 4 से 5 सीट। पीएच का आइडिया है नहीं मेरे को इतना। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो EWS भी खाली जाएगा, EWS में 9 सीट है, करीबन 6 सीट खाली रहेंगी EWS के अंदर। यहाँ पर भी इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है, तो रिजर्वेशन इन्होंने फिजिक्स की सीट में से निकाल के दिया है, जो कि फिजिक्स वाले बच्चों को तो लॉस ही है जो बाहर के बच्चे हैं। फिर बात कर लेते हैं अप्लाइड जियोलॉजी की। अप्लाइड जियोलॉजी की मैं बात करूँ तो जनरल में 7 सीट है, 255 तक स्कोर गया है, बहुत हाई है पौंडीचेरी के अकॉर्डिंगली, तो ये बच्चे वो हैं जो बीएचयू में जा सकते हैं आराम से या और भी बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, तो फर्स्ट लिस्ट ऑलमोस्ट खाली जाने के चांसेस है। सेकंड में ओबीसी की बात करूं तो ये भी खाली दिख रहा है मेरे को सेकंड में। एससी में बात करूं तो एससी में भी खाली दिख रहा है, एसटी भी खाली जाएगा, फर्स्ट लिस्ट ऑलमोस्ट खाली जाएगा आप लोगों का। जियोलॉजी में भी इन्होंने रिजर्वेशन लगाया हुआ है पौंडीचेरी जनरल, पौंडीचेरी ओबीसी, पौंडीचेरी एससी और पौंडीचेरी ईडब्ल्यूएस का। फिर बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ हमेशा से कट ऑफ हाई रहता है, 253 मार्क्स तक है, तो बहुत हाई मार्क्स है। फर्स्ट लिस्ट में अगर 19 नंबर ऑफ सीट्स है तो मैं ये कहूँगा अगर 3 से 4 सीट फिल भी हो जाती है, कोई सेफर साइड की ले भी लेता है, बाकी खाली जाएंगी पहले लिस्ट में तो खाली जाएंगी। सेकंड में 14 ओबीसी में लिए हैं, इसमें भी अप्रॉक्सीमेट 10 के आसपास आपको खाली दिखना चाहिए। एससी में भी खाली, एससी में इतना स्कोर हाई, बहुत हाई स्कोर है, तो 8 की 8 खाली दिख रही है मेरे को एससी के अंदर। एसटी में बात करूँ तो खाली, अगर मैं पीएच का तो आइडिया नहीं, ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो खाली। फिर बाकी यहां पर भी इन्होंने रिजर्वेशन दिया हुआ है पौंडीचेरी जनरल, पौंडीचेरी ओबीसी, पौंडीचेरी एससी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूं, फर्स्ट लिस्ट की बात करूं, खाली 19 सीट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली खाली जाएंगी सारी। ओबीसी में सब सीट्स खाली जाएंगी, एससी में सब खाली जाएंगी, एससी में, एसटी में खाली, एससी में 1 या 2 एडमिशन हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वैकेंट जाएगा, वैकेंट यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। अब मैं बात कर लूँ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट लिस्ट अप्रॉक्सीमेट खाली पूरा 12 सीट के अगेंस्ट। ओबीसी ऑलमोस्ट खाली जाएगा, एससी ऑलमोस्ट खाली, एसटी ऑलमोस्ट खाली जाएगा, पीएच का आइडिया है नहीं, और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट खाली जाएगा। तो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया था, जो मेरिट लिस्ट आई थी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें मैंने आपको ये बता ही दिया था कि फर्स्ट लिस्ट
अप्रॉक्सीमेटली खाली जाएगी। बीबीएयू का भी जब मेरिट लिस्ट आया है आज, और उसका पहले जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट लिस्ट ऑलरेडी ऑलमोस्ट खाली जाएगी, और वो जा रही है, और यहाँ पर भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट खाली जाएगी। अब जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उनको कब तक फ़ी पे करना है उसका अभी कुछ है नहीं इसमें आइडिया, शायद 28 तक की डेट है, 28 तक की डेट है फ़ी पे करने की। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको 28th ऑफ अगस्त तक शायद फ़ी पे करना है। अभी मैं थोड़ा इसमें डाउट में हूँ फ़ी पेमेंट को लेके, पर आपको जहाँ तक जितना मुझे आइडिया है 28 तक आपको फ़ी पे करना है, एक बार आप उसको चेक और कर लेना, और उसके बाद फिर सेकेंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो सेकेंड से जब लिस्ट आएगी तब से यहाँ पर फिर एडमिशन लेना स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो एक एक ज़रूर काम करना है, आप लोग देखते हैं निकल जाते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट 60% लोग जो देखते हैं इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किया कीजिए। ये जो डेटा एनालिटिक्स, ये जो डेटा वाला मैं काम करता हूँ, ये आप लोगों के लिए ही है। तो जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो फिर मैं भी डिले करता हूँ चीज़ों को, कि मुझे ऐसा लगता है कि यार आप लोग रेसिप्रोकल जो है, या कह लें कि लाइक या सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और डू लाइक, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। कई बच्चे जो बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, ऐसी अपडेट्स आ जाती हैं जो उनके काम की होती है और फिर उनसे छूट जाती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।